वो जो ऊर्जा, प्राण ऊर्जा था, वो जो रोकने की क्षमता जिसको बोलते हैं कि जीवनी शक्ति, जो प्राण वायु प्राण ऊर्जा बोलते हैं, वो जो सिस्टम था, जो रोकने की क्षमता था, वो चला गया। वो सच बात बताए हैं, और सच जान करके कोई डिप्रेशन में नहीं जा सकता है। समस्या है कि ऐसा कमेंट देखकर मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ, मेरा मूड खराब हो जाता है, थोड़ा सोच समझ करके। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे से एक्सरसाइज कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो है, कमेंट में एक भाई प्रश्न किए हैं, बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न है। हम एक साल पहले कोई वीडियो बनाए हुए थे, उस वीडियो पर उन्होंने कमेंट किया है, बहुत लंबा कमेंट है। हम उसको इतना पढ़ेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग हम लगा देंगे, आप स्क्रीन पर देखिएगा, या फिर आप मेरे कमेंट सेक्शन में जा करके आप पढ़िएगा। कमेंट में लिखे हैं कि तुम डॉक्टर हो या साइंटिस्ट क्या हो, तुम कुछ भी लिखते हो, कुछ भी बोलते हो और लोग डिप्रेशन में चला जाता है, डीमोटिवेट हो जाता है। मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताऊंगा कि वीडियो को कम से कम पूरा देखिए, वीडियो को पूरा देखने के बाद ही कमेंट कीजिए, कमेंट में लिखिए, और समझने के बाद वीडियो को पूरा देखिए और समझिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा वीडियो देखे और कुछ भी लिख दिया। दोस्तों, जो हम वीडियो में बताए हैं, कंट्रोल आएगा कि नहीं आएगा, बालवेर कंट्रोल के बारे में हम उस वीडियो में जिक्र किए हुए हैं, और हम बताए हुए हैं कि मतलब कंट्रोल कैसे होगा। जो हमारा कंट्रोल होता है, और इंजरी के पहले जो हमारा कैसा सिस्टम मतलब कंट्रोल था, वैसा कंट्रोल अगर अभी हम लाना चाहें तो वो असंभव है। इसी के बारे में हम उस वीडियो में बोले हैं। तो दोस्तों देखिए, जो सही है वही हम बताएंगे, झूठ बोलकर किसी को मोटिवेट नहीं किया जाता है, जो सच है वही है। हमारे साथ भी डॉक्टर साहब से हम पूछे थे ऑपरेशन के वक्त कि सर हम ठीक हो जाएंगे ना पहले जैसे थे वैसे, डॉक्टर बोला कि नहीं, अब तुम बेड पर ही रहोगे और कुछ दिन बाद व्हील चेयर पर तुम रहोगे, तुम अब खड़ा नहीं हो सकते हो। तो डॉक्टर तो हमको साफ बता दिया था पहले ही, इसका मतलब हम डिप्रेशन में चले गए। हम कहाँ डिप्रेशन में चले गए, हम तो आज बहुत अच्छा है, बहुत ठीक है। आज डॉक्टर भी आश्चर्य करता है, हमको देख करके आश्चर्य में पड़ जाता है। जो सही है वही बताएंगे, झूठ बोल करके किसी को मोटिवेट नहीं किया जाता है। मेरे साथ 600 लोग जुड़े हुए हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के, और कई लोगों से हम मिले हैं, उनके यहाँ जा करके उनके साथ बैठे हैं, बात किए हैं, हम रिसर्च किए हैं, उनसे पूछे हैं, जो 10-10 साल पुराना पेशेंट है उनसे भी मिले हैं और उनसे ये अनुभव प्राप्त किए हैं। जो हमारा अनुभव है और पेशेंट से जो अनुभव प्राप्त किए हैं वही हम वीडियो में बताते हैं। बाउल ब्लैडर के बारे में हम क्या बोले हैं कि जो कंट्रोल कैसे है, कि मान लीजिए हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो धीरे धीरे मसल में ताकत आएगा, उस ताकत के वजह से थोड़ा रुकेगा। बार बार जो पहले था कि अपने आप निकलता रहता था, या फिर कैथेटर निकालने के बाद धीरे धीरे बूंद 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 करके टपकता रहता था, तो वैसा अब नहीं है। अब जो है सो हम का कंट्रोल है, मत कंट्रोल का मतलब क्या कि मसल में ताकत आया है तो थोड़ा रोक करके उसको रखता है, जब तक ब्लेडर भरा नहीं है तब तक निकलने नहीं देता है, रिश्ता नहीं है। और ब्लेडर भर गया है तो बिस्तर पर से हम थोड़ा झटका से उठ गए, खांसी आ गया, या मान लीजिए जोर से हंस दिए, किसी को जोर से डांट दिए, थोड़ा ताकत लग गया तो वो अपने आप छलक जाता है बाहर, थोड़ा छलक जाता है फिर रुक जाता है। और इसी तरह पॉटी में था कि पहले जो है सो ऐसे ही निकल जाता था, लेकिन अब है कि थोड़ा महसूस होता है लेकिन रोकने की क्षमता हमको नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमको अलग जा कर के हम करेंगे तब तक रोक के रखते हैं, ऐसा नहीं है। यही चीज़ जो पेशाब हम करते थे पहले, और कोई सामने से आ गया कोई आदमी तो अचानक ऑटोमेटिक रुक जाता था वो, पॉटी को भी हम रोक लेते थे। वो जो ऊर्जा प्राण ऊर्जा था, वो जो रोकने की क्षमता जिसको बोलते हैं कि जीवनी शक्ति, जो प्राण वायु प्राण ऊर्जा बोलते हैं, वो जो सिस्टम था, जो रोकने की क्षमता था, वो चला गया, वो अब वापस नहीं आने वाला है। ये बिल्कुल सत्य है, 100% सही है, किसी के पास भी वो चीज़ नहीं आने वाला है जो ओरिजिनल था। हाँ, कंट्रोल होगा एक्सरसाइज के बदौलत, मसल में ताकत आने के बदौलत कंट्रोल रहेगा, और आप सब कुछ कीजिएगा, काम धंधा भी अपने आप मैनेज कीजिएगा, रूटीन अपना उस टाइप से बनाना होगा, और जैसा समय हो गया, जैसा हालात है उसके अनुसार ढलना होगा। अब ये सुनकर के लोग डिप्रेशन में कैसे चला जाएगा, बाद में पता चलेगा झूठ है तब क्या कहेंगे।
तो जो सही है वही हम बताए हैं। बोल रहे थे कि निखिल आनंद जी का जो है बाल ब्लेडर पहले कंट्रोल कर लिए हैं, उसके बाद चलने का एक्सरसाइज बताते हैं। तो भैया निखिल आनंद जी बहुत अच्छे आदमी हैं, उनका हम वीडियो बहुत देखते हैं, और हम तो ये 2022 से वीडियो बनाने लगे हैं, 23 से, लेकिन उनका वीडियो हम 2018 से ही देखते हैं, और बहुत मोटिवेट हुए हैं। और बहुत सारे पेशेंट जो 10-10 साल से बिस्तर पर था, वो भी उनसे इंस्पायर होकर के खड़ा हुए हैं, वो उनसे बहुत प्रभावित हुए हैं। लेकिन निखिल आनंद जी का जो रिकवरी आया है वो हमसे पीछे है, निखिल आनंद जी हमसे आगे नहीं है। हम जितना रिकवर किए हैं उतना निखिल आनंद जी का अभी नहीं हुआ है। और ऐसा भी नहीं है कि हमारा इंजरी कमज़ोर था, छोटा मोटा चोट लगा हुआ था, हमारा इंजरी भी बहुत तगड़ा भयंकर इंजरी था। 30 फीट 25 फीट की ऊंचाई से गिरे हुए थे। आपको यकीन नहीं तो आप आइए हमसे मिलिए, हम बहुत सारे पेशेंट से मिले हुए हैं, उनसे आप संपर्क कीजिए। निखिल आनंद जी अभी हमसे पीछे हैं, हमारा जो बाल ब्लेडर है वो अनकंट्रोल है, पूरा कंट्रोल नहीं है, फिर भी हम काम करने के लिए जाते हैं। हम अकेले 1 महीना के लिए मुंबई चले गए थे और ड्यूटी करके 1 महीना आए हैं। अभी हम गाड़ी चलाने के लिए जाते हैं, तो हम उस टाइप से हम मैनेज समय का मैनेज करते हैं, रूटीन बना लिए हैं कि कितना टाइम बाद हम पानी पियेंगे तो कितना टाइम बाद यूरिन आएगा। अभी जैसे बहुत तेज़ गर्मी आ गया है तो दिन भर में कितना ही पानी पिए तो बहुत हो जाता है, 2 बार या 3 बार यूरिन आता है, चाहे कितना भी पानी पी लेते हैं, पानी पीते पीते पेट भरा रहता है, परेशान नहीं रहता है गर्मी में, लेकिन ठंडा में वही है कि तुरंत तुरंत पेशाब आता है। और अभी ठीक है, हम यूरिन का पाइप जो है सो हम रखते हैं, वो कैथेटर जो नेल कैथेटर है CIC के लिए, वो हमेशा पास में रखते हैं, जहाँ ऐसा लगा कि अब हमारा ब्लेडर भर गया है तो वहाँ पर CIC कर लेते हैं। और रहा चलने की बात, तो निखिल आनंद जी अभी भी स्टिक का यूज करते हैं, लेकिन हम स्टिक का बात तो छोड़ दीजिए, हम अभी दौड़ जाते हैं। और जो स्वस्थ आदमी जो चलता है उससे कदम मिला करके चलने की क्षमता अभी हमको है। कमेंट लिखते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, थोड़ा समझिए, उसके बाद लिखिए। और आप हमको आप कुछ लिख दीजिएगा, बोल दीजिएगा, उससे हमारा क्या बिगड़ने वाला है, हम तो भाई भैया बिल्कुल ठीक हैं और बिल्कुल फिट हैं। ऐसा नहीं है कि आपके लिखने से कुछ हो जाएगा हमको, जी नहीं, हम बिल्कुल ठीक हैं। और आपके जैसे जो पेशेंट हैं उन्होंने डिमांड किया था कि हम आप अपना जो अनुभव है वो बताइए, आपने क्या क्या एक्सरसाइज किया, क्या महसूस किया है, वो सब हम शेयर कीजिए, उसके बाद ही हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देख करके ही कमेंट कीजिए, कुछ भी मत लिख दिया कीजिए। और हमारा किसी भी वीडियो में झूठ नहीं है, जो सच है वही हम बताए हैं, एक भी वीडियो में झूठ बात हम नहीं बताए हैं। आप लोग को अच्छा लगे या नहीं लगे, लेकिन बिल्कुल सच बात बताए हैं, और सच जान करके कोई डिप्रेशन में नहीं जा सकता है। समस्या है कि ऐसा कमेंट देखकर मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ, मेरा मूड खराब हो जाता है। थोड़ा सोच समझ करके कमेंट में जाइए, आप लोग पढ़िए कमेंट को, और उसके बाद बताइएगा कि हम वीडियो सही बनाए या क्या गलत बनाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, प्रणाम।